गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले क्वांटम मैकेनिक्स के जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 30 तक हुए थे, 29-28 भी शायद डिस्कस हो गए। रोल नंबर बोलेंगे। पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। लास्ट लेक्चर में 30 पेज तक हो गए थे लास्ट से। 29 और 28 पे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, जब छूटा हो 27 पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सर। क्वेश्चन नंबर 7। लेट डेल्टा 10011 2x2 मैट्रिक्स है एंड M tan 3i minus 3i n2. Similarity transformation of M to delta can be performed by. ये recall करेंगे आपको जब one basis से another basis में transformation hint किया था तो एक unitary transformation का point बताया था और same time पे ही मैंने आपको similarity transformation के लिए ये condition discuss किया था। एम से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो दिस टर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बी ले रहे हैं तो बी इनवर्स एम बी ये आपको एम को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किस मैट्रिक्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उससे आपको डेल्टा और एम को रिलेट करके आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। इस पार्ट से आपको यहाँ पे ये कंडीशन, या तो बी के लिए सम एलिमेंट्स आप एज्यूम कर लें ए बी सी डी, जो ऑप्शंस में मैट्रिसेस दिए हैं उनसे आप ये मैट्रिक्स फॉर्म, या तो इस फॉर्म में ये बी गिवन है इससे बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे 2x2 मैट्रिक्स के लिए और ये टर्म को आप यहाँ पे इक्वेट करके ए बी सी डी कोफिशिएंट्स में आपको रिलेशंस मिल जाएंगे। सर हम इसे ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आइजन वेक्टर्स ऑफ ए इस कॉलम मैट्रिक्स ऑफ बी, तो आइजन वेक्टर्स निकाल लेंगे ए का फिर उसे डाल देंगे। हेलो सर। सर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
पर स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। सर का कनेक्शन चला गया। मैं ये बात सुन पा रहे हैं श्वेता राय? आप हॉस्ट बन गए हो, मुझे हॉस्ट बना दीजिए। सर आपका वॉइस नहीं आ रही है। कुछ नहीं बोल रहे। श्वेता राय हैं, कोई हॉस्ट बन गए हैं, वो हॉस्ट बनेंगे तभी कुछ हो पाएगा ना, मुझे हॉस्ट बनाएंगे। सर ऑफिस में कॉल करके बन जाओ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कंटिन्यू करते हैं। सर मैं बोल रही थी कि हम जब सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हाँ जी, वहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो फॉर्म है ए लैम्डा इक्वल टू बी इनवर्स एम बी, तो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ बी आर इक्वल टू आइजन वेक्टर्स ऑफ ए, तो ऐसा करके ए का डायगोनलाइजेशन के लिए यूज करते हैं वो पार्ट। पहले वहां से एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, कॉमन कॉलम वेक्टर से डायगोनलाइजेशन पार्ट के लिए, दैट पार्ट को आप यूज करके फिर वहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बट जो मैंने अप्रोच आपको बताया है, आप रिकॉल करें, जब आपको यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन बताया था तब ये डैगर से रिप्लेस कर दिया था। सिमिलरिटी में इनवर्स लेना है और बाकी आपको इनवर्स, आपको सिमिलरिटी के लिए इनवर्स और यूनिटरी के लिए डैगर पार्ट। तो अगर आपको ये मैट्रिक्स भी एज्यूम कर लें 2x2 का, तो इसका इनवर्स 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ए बी सी डी दीज एलिमेंट्स के टर्म्स में ये मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। ये थ्री मैट्रिक्स को राइट में प्रोडक्ट करके लेफ्ट साइड वाले ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप कंपेयर करके ये एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंपेयर कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है। अनदर अप्रोच क्या है कि जो आपको ऑप्शन में
मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है, उससे आप इनवर्स फाइंड कर लें। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे यूज किया 1/10 1 3i 3i 1, और इसका इनवर्स अगर मैं फाइंड करूं तो ये 1/10 1 1 -3i -3i, यही अप्रोच होगा 2x2 मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करने का। अब यहां से इस m को यूज करते हुए अगर मैं b इनवर्स m b फाइंड करूं तो 1/√10 1 -3i -3i 1 tan 3i -3i 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√10 1 -3 ये टर्म 1 3i 3i 1, ये थ्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके ये रिजल्ट बनना चाहिए अगर ये मैट्रिक्स करेक्ट है तो। ये थोड़ा लेंदी बनेगा अगर हम सेलेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा रिजल्ट हमें फाइंड हो पाए। बाकी आप इस अप्रोच से ये ए बी सी डी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से प्रॉब्लम करना है तो ये थ्री मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट करके चेक कर लीजिए ये किस मैट्रिक्स से मैच कर जाना है। एक बार ट्राई कर लेंगे। दीज टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें, ये √2 √10 √10 1/10 बन गया, 1 -3i -3i SH 1। लास्ट टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये टर्म बनेगा 1 और ये 33i 3i and 1, ये 11 1 1। इसका फिर से दीज टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 0 0 1 1, ये पार्ट बन जाना चाहिए। एक बार डीज को कम प्रोडक्ट करके ये कंफर्म कर लीजिए। मैच करता है, सर इस अप्रोच से हमें एक एक करके सबका चेक करना पड़ेगा आपसे? हाँ, चेक करना पड़ेगा सर, वो टाइम टेकिंग। तो ये आप चेक कर लेंगे ना यहाँ से, जैसे अभी बी बताया है आप, ये यहाँ पे दरअसल ये एलिमेंट्स नोन थे इसलिए इजीली नोट हो गया। बाकी तो आप ये 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का अप्रोच चेक किए होंगे कि 1/ ये डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और ये एलिमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और ये पार्ट को शायद माइनस करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना अप्रोच, उससे ये इनवर्स फाइंड कर लेंगे ए बी और सी डी में। आप यहाँ पे प्लेस करके आपको ए बी सी डी के रिलेशंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ये अननोन नोटेशन की वजह से इनवर्स को फाइंड करते हुए जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसमें भी ए बी सी डी का रिलेशन बनेगा, तो सॉल्व करने में तब भी आपको टाइम लगेगा थोड़ा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको थ्री ऑप्शंस को रिपीट करना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ जी, मैच कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही आ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर। तो पेज नंबर 25 15 प्रॉब्लम नंबर 25 पे 15। द ऑपरेटर A is equal to x d/dx of delta x, where delta x is the Dirac delta function, x on the space of real valued square integrable function on the real line. This operator is equivalent to, देखो ऑपरेटर का मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना बताया था,
मोस्टली जो आपने पहले ऑपरेटर सिंप्लीफाई किए वहां पे डिफरेंशिएशन पार्ट इंक्लूड था, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो डिफरेंशियल अप्रोच को यूज करके आपने इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड कर लिया। बट यहाँ पे ये ड्राग डेल्टा डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इससे डिफरेंशियल वाली अप्रोच से फाइंड करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। स्टेटमेंट में एक हिंट दिया है, एक्स ऑन द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द रियल लाइन। तो आप यहाँ पे इंटीग्रल अप्रोच से ये रिजल्ट को फाइंड करेंगे, और इंटीग्रल अप्रोच के लिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, इस पार्ट में इंटीग्रल करते हुए आप ये कंपेयर करें, इस टर्म का इंटीग्रल करेंगे तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा, और ये एक्स मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे टू डिफरेंट वेरिएबल फंक्शंस हो गए। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करके, इसको फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड कंसीडर किया, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल वन, सेकंड का इंटीग्रल डेल्टा एक्स, फिर से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स। जब आप ये लिमिट प्लेस करेंगे तो डेल्टा एक्स की डेफिनेशन अदर देन एक्स इक्वल टू जीरो जीरो बनेगा, तो ये रिजल्ट जीरो बन जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेंड इंटीग्रल की लिमिट वैल्यूज मैच करती हैं, तो इंटीग्रेंड पार्ट भी मैच करना चाहिए। तो ये ऑपरेटर एक्स डी वाई डी एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सर पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर थर्ड। फॉर ए फिजिकल सिस्टम टू ऑब्जर्वेबल्स ए वन एंड ओ वन एंड ओ टू आर नोन टू बी कॉम्पेटिबल। देखो कॉम्पेटिबल यहाँ पे वर्ड है, बट कॉम्पिटेबल मीन्स कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर। तो टू ऑब्जर्वेबल्स के लिए ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो दिया है। अगर टू ऑपरेटर्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है या बोथ ऑपरेटर्स कॉम्यूटेटिंग है, देन दे आर सेट टू बी कॉम्पिटेबल। चूज द करेक्ट इम्प्लीकेशन फ्रॉम अमोंग अस दोज गिवन बिलो। एवरी आइगन स्टेट ऑफ ओ वन मस्ट नेसेसरी बी एन आइगन स्टेट ऑफ ओ टू। आप ये रिकॉल करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्यूटेटिंग ब्रैकेट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आपको नोट कराया है। अगर ए बी टू ऑपरेटर्स ले रहे हैं और वो कॉम्यूट करते हैं, तो आपको ये नोट कराया था, दे कैन हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्री एक्यूरेसी, और दे हैव ए कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, और दे कैन बी डायगोनलाइज। इसी में फिर टू डिफरेंट केसेस बताए थे मैंने, कि अगर नॉन डिजेनरेट केस है तो ईच आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए विल ऑल्सो बी द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर बी। तो जो नॉन डिजिनेट केस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, उसके आइगन फंक्शन अनदर के भी आइगन फंक्शंस होंगे। बट जब डिजेंडेसी का कोई आइडिया नहीं है, तो जरूर नहीं कि ऑल आइगन फंक्शंस एवरी आइगन फंक्शन अनदर के भी आइगन फंक्शन हो। तो फर्स्ट ऑलवेज करेक्ट नहीं है। सेकंड, एवरी नॉन डिजेनरेट आइगन स्टेट ऑफ ओ वन मस्ट नेसेसरी बी एन आइगन स्टेट ऑफ ओ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट इम्प्लीकेशन, अगर इम्प्लाई वर्ड को यहाँ पे इम्प्लीकेशन से इम्प्लाई, इट मीन्स ये O1 O2 compatibility क्या पार्ट इंप्लाई करता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। एवरी नॉन डिजेनरेट, ये आपको स्टेटमेंट नोट कराया है, आइगन स्टेट ऑफ O1 मस्ट नेसेसरली बी आइगन स्टेट ऑफ O2। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का पार्ट
आपको नॉन डिजिट केस के लिए नॉट कराया था, तो इंप्लाई वर्ड से ये बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। जो सी ऑप्शन है, व्हेन एन ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवन इज कैरीड आउट ऑन एन आर्बिट्री स्टेट कट ऑफ साई ऑफ द फिजिकल सिंप्लीकेशन फिजिकल सिस्टम ए सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ओ2 लीड्स टू एन अनएम्बिगियस रिजल्ट। तो यहां पे अगर कट ऑफ साई ओ1 का आइगन स्टेट है तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट कोई आर्बिट्री अगर स्टेट है तो जरूरी नहीं कि वो O1 का आइगन स्टेट हो। हम अनएम्बिगियस रिजल्ट का मतलब क्या है कि वहां पे जो एरर है वो जीरो होना चाहिए। एरर जीरो कब बनेगा, जब आप किसी आइगन स्टेट में मेजरमेंट कर रहे हो। तो कैट ऑफ साई O1 का अगर आइगन स्टेट होगा तब तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ O1 एंड O2 कैरिड आउट ऑन एन आर्बिट्री स्टेट ऑफ द फिजिकल सिस्टम लीड टू द आइडेंटिकल रिजल्ट्स। O1 O2 के ऑर्डर को अगर आप चेंज करेंगे किसी एक ऐसी स्टेट में जो O1 O2 का आइगन स्टेट है तब तो रिजल्ट मेजरमेंट के ऑर्डर से इंडिपेंडेंट आएगा। अगर वो स्टेट चेंज हो जाती है तो मेजरमेंट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो ये सी और डी में अगर कैट ऑफ साई आइगन स्टेट होता तब करेक्ट बनता है, अदरवाइज आर्बिट्री स्टेट के लिए करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 22 प्रॉब्लम नंबर 10 22 पे 10 ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग इन वन डायमेंशन सेटिस्फाई द मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस m d2 psi बाय dx स्क्वायर प्लस आई एच क्रॉस यू डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। दिस इज द मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोजिशन स्पेस। इसी का अगर आप कन्वर्जन करें इक्विवेलेंट मोमेंटम स्पेस में, अभी स्टेटमेंट में आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, इसी का अगर आप मोमेंटम स्पेस इक्विवेलेंट फॉर्म नोट करने लगे इन मोमेंटम स्पेस, तो रिकॉल करेंगे पोजीशन से जो मोमेंटम में जाते हैं तो ऑपरेटर के एक्शन पे क्या चेंजेस हैं। फंक्शन ये साई पोजीशन स्पेस का फंक्शन है, तो साई के इक्विवेलेंट मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन आप फाई पी ले रहे हैं। पोजीशन स्पेस ऑपरेटर पोजीशन स्पेस में मल्टीप्लिकेटिव है, बट इन मोमेंटम स्पेस आप इसको रिप्लेस करते हैं आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल पी से। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा, मोमेंटम आप जो पोजीशन स्पेस में माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर है इसको आप पी से रिप्लेस करते हैं। ये पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे इस मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन को मोमेंटम स्पेस में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये टर्म पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आप लोग पढ़ते हैं पी स्क्वायर बाई ट्वाइस है, और ये साई को अब मैंने फाइव पी नॉट कर दिया। अब ये पार्ट पे जाएं आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स इसको मैंने माइनस यू पी फाइव, और ये टर्म एनर्जी ऑपरेटर है बोथ पार्ट के लिए पोजिशन के लिए भी और मोमेंटम के लिए भी, इसको मैंने ई फाइव पी नॉट कर दिया। ये पॉइंट रिलेट हो गए होंगे सभी को। जिस स्पेस में इजी रहे उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों का हिंट कर रहा हूं। Where u is the velocity of the substrate, if now this particle is treated as a Gaussian wave packet peaked at wave number k, wave number k पे peak बनेगा, its group velocity will be vg। अगर आप इसके इस wave function form को जो इस problem के statement में hint किया है ये not करते तो this term एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वेरिएबल पार्ट हम के डैश ले रहे हैं और के पे पीक है तो ये टर्म लाइक दिस बनता है। रिकॉल कर सकते हैं सम फैक्टर, आपको पहले ये हिंट किया हुआ है अगर ये पोजिशन सॉरी मोमेंटम स्पेस के लिए, मोमेंटम स्पेस के लिए ये पार्ट वेव वेक्टर स्पेस या मोमेंटम स्पेस में, इसी को आप एच क्रॉस से मॉडिफाई करते थे मोमेंटम स्पेस में।
रिकॉल करेंगे, अगर कोई वेव फंक्शन पोजिशन स्पेस में होता तो पोजिशन स्पेस में अगर ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई समथिंग फैक्टर, तो इस वेव फंक्शन जो पोजिशन स्पेस में है तो पोजिशन की एक्स नॉट वैल्यू के लिए पीक बनता है। ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं, ये गॉसियन वेव पैकेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में या वेव फंक्शन में जो पीक बनेगा वो इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन पे बनता है और एवरेज वैल्यू ऑफ पोजिशन एक्स नॉट बताया था। ये क्लियर हुआ सभी को? तो जो प्रॉब्लम में हिंट किया हुआ है कि इसका वेव फंक्शन गॉसियन वेव पैकेट है और इसका पीक वेव नंबर के पे है, तो इसका मोमेंटम स्पेस में ये फॉर्म बनना चाहिए और जब इसी का इक्विवेलेंट साई एक्स फॉर्म बनाएंगे बाई फोरियर ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे टू बिहेवियर बनेंगे, एक तो पोजिशन स्पेस में गॉसियन फॉर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी बनेगी, और एक इस पार्ट से जिस पे पीक है उससे प्लेन वेव कंडीशन आएगा। एग्जैक्ट फॉर्म क्या बनेगा आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बाकी एक कंसेप्चुअल अप्रोच से जो आपको प्रॉब्लम्स मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कस किए हैं, वेव फंक्शन के कन्वर्जन पर डिस्कस किए हैं, उससे मैंने रिलेट कर दिया। ये पॉइंट रिलेट हो रहे होंगे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से। इन दोनों पार्ट में आप चेक करिए, मोमेंटम के बनेगा यहाँ पे, इस पे पीक बनेगा एवरेज वैल्यू अगर हम फाइंड करें पोजिशन स्पेस में, और ये वेव वेक्टर स्पेस के लिए के पे पीक बन गया। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर, यहाँ से आपको मोमेंटम का आइडिया है कि पी की वैल्यू क्या पार्ट बनेगा, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बन गया, या तो इस फॉर्म को पोजिशन स्पेस में यहाँ पे रिप्लेस कर दें, या आप इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फाई पी का कोफिशियंट बोथ साइड से कंपेयर करें तो एक आपको रिलेशन मिला जो इजी अप्रोच है, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम माइनस यू पी इज इक्वल टू ई, ये डिस्पर्जन रिलेशन यहाँ से मिल गया आपको। यहाँ से भी आपको जब साई प्लेस करेंगे तो डिस्पर्जन रिलेशन एनर्जी और के में मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम में। अब आप रिकॉल करें, आपको प्रॉब्लम में पूछा है ग्रुप वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डी ई बाई डी पी, जो डी ओमेगा बाई डी के भी आपको बताया है। तो इस अप्रोच से आप इजीली ग्रुप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिफरेंशियल किया तो पी बाई एम, सेकेंड डिफरेंशियल किया तो माइनस यू, यू कॉन्स्टेंट है, पी का डिफरेंशियल वन हो गया। अब इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको ये कन्फर्म है कि मोमेंटम वैल्यू एच क्रॉस के बनेगा, जिस के की वैल्यू के लिए पीक है उसको एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करा के आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, जो पोजिशन स्पेस में इस बिहेवियर से आपको पता चल रहा है, आई एक्स के कोफिशियंट प्रोपेगेशन वेक्टर है और एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम बन गया, तो पी को एच क्रॉस के डिवाइड बाई एम है माइनस यू, ये ग्रुप वेलोसिटी बनेगा, वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। एच क्रॉस के बाई एम माइनस यू डी ऑप्शन कर दो। पोजिशन स्पेस में थोड़ा डिफिकल्ट है, जो डेटा दिया उससे साई एक्स फॉर्म आपको फाइंड करके इसमें प्लेस करके डिस्पर्जन रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर आप ये ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे। मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट किया तो थोड़ा ईजी हो गया, इससे आप इजीली ग्रुप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे, सेम पेज पे 11। ए बीम ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए मेटल लैटिस वेयर द स्पेसिंग बिटवीन न्यूक्लियाई इज अराउंड 0.4 नैनोमीटर। In order to see quantum diffraction effect, the energy of the neutron must be around. आपको जब आप क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न की कंडीशन, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न की कंडीशन है कि लैम्डा ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा का आपको हिंट हो गया, दैट इज 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको एक रिलेशन मैंने बताया था एच बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एम के बी टी,
एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी अराउंड, एनर्जी केबीटी अराउंड आपको यहाँ पे एनर्जी और के लिए अगर आप कंपेरिजन कर लें तो एनर्जी का कंपेरिजन आप कर सकते हैं. लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू आइस एम के बी टी, एंड के बी टी दैट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन नियरली एच स्क्वायर बाई टू आइस एम लेमडा स्क्वायर. 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 लेमडा 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर के लिए. ये जूल में रिजल्ट बनेगा और इसको यूनिट अगर आप कंपेयर करें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे. तो ये आप कैलकुलेशन को एक बार ट्राई कर लें तो नियरली 0.00515 के राउंड कुछ रिजल्ट आ रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. एक बार चेक करेंगे डेसिमल प्लेस पे ये डिजिट्स क्या आ रहे हैं. यस सर यही आ रहा. ये लास्ट डिजिट मैच करता है मेरे 5140 आ रहा है सर. मैंने वो 1.675 नहीं लिया था. अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे एक बार. तो 5.13 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 5.13 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो नियरेस्ट ऑप्शन के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन नियरली मैच कर जाएगा. नेक्स्ट बताएंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर पेन नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 6. कल कोई 20 पे भी बता रहे थे. ट्वेंटी पे वन बता रहे थे शायद ना. यस सर वन बोला था. इन ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एन ऑब्जर्वेबल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑपरेटर ए. इफ कट ऑफ साई इज ए स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ ए देन द क्वांटिटी आर डिफाइंड एज साई ए साई स्क्वेयर माइनस साई a square psi. For normalized state cut of psi, psi a psi represent expectation value of a and psi a square psi represent a square expectation. For normalized cut of psi. अब ये टर्म को कंपेयर करें तो दिस टर्म ए एक्सपेक्टेशन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन तो दिस टर्म इज माइनस ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर. तो यहां से आपको इन टर्म्स ऑफ आर डेल्टा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए आर आपको कंफर्म हो गया. ये रिकॉल करेंगे पॉइंट अगर कैट ऑफ ये टू पॉइंट्स आपको मैंने स्टार्टिंग में नोट कराए हुए हैं आइगन वैल्यू पार्ट के लिए. इफ कैट ऑफ साई इज एन आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर ए
तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू से मैच करेगा, ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आइगन वैल्यू स्क्वायर से मैच करेगा, तो अनसर्टेनिटी जीरो बताया था। इफ कट ऑफ साइज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ ए देन अनसर्टेनिटी विल बी जीरो नॉन जीरो, ये बताया था। और ये भी पॉइंट आपको हिंट किया कि अनसर्टेनिटी वैल्यू पॉजिटिव और रियल होता है, ये पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं। ये टू पॉइंट्स आपको रिकॉल हो रहे होंगे, नोट कराए हुए आपको कहीं चेक कर लेंगे, जहां आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट आया होगा वहां पे नोट कराए हुए। तो अगर ये पॉइंट रिकॉल हो गए तो स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। इफ कैट ऑफ साइज ए स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट एन आइगन स्टेट, तो ये पॉइंट करेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। जब आइगन स्टेट नहीं है तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू पॉजिटिव नॉन जीरो और रियल होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और नॉन जीरो बनेगा। ये डेल्टा ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन बनी है। तो ये आर वैल्यू आपको कंफर्म हो गया, सेकंड पार्ट के लिए लेस देन जीरो बन, तो फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए। पॉइंट रिलेट हो गए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। पेज नंबर 19 पे बोल रहे थे साहब, सिक्स सर 19 पे, पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 6। ए बॉल बाउंसेस बैक ऑफ अर्थ, यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस क्वांटम मैकेनिकली एज्यूमिंग द अर्थ इज एन इनफाइनाइट हार्ड स्फीयर, कंसीडर सरफेस ऑफ अर्थ एज द ओरिजिन इंप्लाइंग वी जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ए लीनियर पोटेंशियल एल्सवेयर। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म है कि वी एक्स माइनस एम जी एक्स है फॉर पॉजिटिव एक्स, अदरवाइज इनफाइनाइट, एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो के लिए ये इनफाइनाइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज फिजिकली एडमिसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम विद के, जो वेव फंक्शन में के इंक्लूड किया है वो पॉजिटिव है। अब आप ये रिकॉल करें फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन पे स्टार्टिंग में मोर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट यहाँ पे वो कंडीशन इंक्लूड करनी है आपको इस पोटेंशियल की कंडीशन के साथ। साई मस्ट बी फाइनाइट इन ऑल स्पेस, साई मस्ट बी कंटिन्यूस, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ये कंडीशंस तो फुलफिल होंगी, बट आपको अगर यहाँ पे जब आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन पोटेंशियल की डेफिनेशन से और आपको इंक्लूड किया था, इस पोटेंशियल में पार्टिकल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मूव करेगा और जैसे ही पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे आएगा या एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल फेस होगा और इनफाइनाइट पोटेंशियल को पार्टिकल ओवरकम नहीं करेगा, जब ओवरकम नहीं करेगा तो x इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में पार्टिकल नहीं आएगा। वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी कंडीशन से आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, साई मस्ट बी फाइनाइट इन ऑल स्पेस, इन होल स्पेस एंड मस्ट बी जीरो फॉर x less than or equal to zero, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप चेक करेंगे ये कंडीशन को फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई करें, x को जैसे ही आपने जीरो किया वो इनफाइनाइट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन फाइनाइट वाली कंडीशन से एक्सक्लूड हो गया क्योंकि गिवन फॉर्म इज नॉट फाइनाइट। अब आप लास्ट ऑप्शन पे जाएं और थर्ड ऑप्शन पे, सॉरी पहले थर्ड ऑप्शन को चेक कर लें, साई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स एक्सपोनेंशियल के एक्स, एक्स को जैसे ही आप प्लस इनफाइनाइट रखेंगे थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ए और सी में जो ऑप्शंस हैं वो नॉट फाइनाइट वाले फॉर्म बन रहे हैं तो ये अलाउड नहीं होंगे। अब आप जो डी ऑप्शन है यहाँ पे जो फॉर्म दिया है आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन फाइनाइट है तो फाइनाइट वाली पॉइंट तो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, बट साथ में ये पॉइंट भी चेक करना है, बट एट एक्स इक्वल टू जीरो
साई इज नॉट जीरो, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब आप सेकंड ऑप्शन पे आए, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस की एक्स स्क्वायर, ये टू फंक्शन का प्रोडक्ट है बट फाइनाइट है, फाइनाइट है ऑल स्पेस में और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये पहले चेक करना आपको बताया हुआ है, और जीरो भी है, आप चेक कर लीजिए। एट एक्स इक्वल टू जीरो ये टर्म जीरो बनेगा, क्लियर हो गया। आपको इस रेंज के लिए चेक करना है और एक्स इक्वल टू जीरो चेक करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेकंड बन गया। तो जब पोटेंशियल फॉर्म दिया होगा तो उससे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज होंगी, तो वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे, सेम पेज प्रॉब्लम नंबर 10। सेम पेज पे? यस सर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके सर, ये जिस दिन टेस्ट डिस्कशन हुआ है उस दिन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिकॉल हो रहा होगा बाकी लोगों को। यस सर, यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे, तो 17 पे 13 सर इसको चेक कर लीजिए। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल vx इन वन डायमेंशन इज साई एक्स इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा मॉड x, वेयर बीटा इज पॉजिटिव एंड a आर कांस्टेंट। इफ दिस वेव फंक्शन इज एन एनर्जी आइगन फंक्शन देन ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल वी एक्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको पहले डिस्कस किए हैं, पेज नंबर 46 पे, 4 पे जाएंगे और इसी में शायद आगे क्वेश्चन रहा होगा 51 पे 23। ये दोनों प्रॉब्लम पहले डिस्कस हो गए हैं, मैं फिर से हिंट कर दे रहा हूँ आपको। जब ड्राग डेल्टा पोटेंशियल वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है तो वहाँ पे फॉर्म था स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंशियल माइनस के मॉड एक्स, और यहाँ से इस के का डेफिनेशन था एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्म था माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस एच क्रॉस स्क्वायर। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर ड्राग डेल्टा पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, ये रिकॉल हो रहे होंगे पॉइंट्स। अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो नोटेशन है बीटा, ये बीटा नोटेशन इक्वलेंट टू के बन गया एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहां से पोटेंशियल फॉर्म माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, अब आपको यहां से कंफर्म हो गया वी नॉट वैल्यू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बीटा बाई एम डेल्टा एक्स, तो लास्ट ऑप्शन बन गया। क्लियर हो गया सभी को? सिमिलर अप्रोच दीज टू प्रॉब्लम्स में भी मैंने बताया, मॉड एक्स है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कंटिन्यूअस बनेगा, तो उसके इक्विवेलेंट आपको ड्राग डेल्टा पोटेंशियल इंक्लूड करना है, ये पॉइंट आपको पहले बताया, बाउंड वेव फंक्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, तो 15 पे 4 में भी 15 पे 4 4 तो हो गया होगा, 6 रहा होगा शायद। यस सर, 6 पेंडिंग सर, 6 4। हां जी, 15 पे 6
हाँ जी सिक्स है, बाकी शायद हो गए हैं सर 15 के पेज के। यस सर। पेज नंबर 15 पे सिक्स। सपोज द हैमिल्टोनियन ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज एच इक्वल्स टू ओमेगा एक्स पी, वेयर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट एंड एक्स पी आर पोजिशन एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, द कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, पोजिशन स्पेस में कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए फाइंड करना। स्टेटमेंट में एक हिंट दिया हुआ है कंजर्वेटिव सिस्टम, और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, और एनर्जी कंजर्वेशन पार्ट आपको ये हिंट किया था कि पोटेंशियल रियल होना चाहिए, और रियल पोटेंशियल के लिए हैमिल्टोनियन हर्मिशियन होता है, तो यहाँ पे एच डैगर इक्वल टू एच वाली कंडीशन फुलफिल होगा। तो ओमेगा एक्स पी, ओमेगा रियल है, एक्स पी पोजिशन और मोमेंटम ऑपरेटर है, इसका डैगर फाइंड करेंगे। तो यहां से आपको रिलेशन बन गया ओमेगा एस एच, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे पी डैगर एक्स डैगर, तो ये पी डैगर पी एक्स डैगर एक्स, ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को। अब एच इक्वल्स ओमेगा एक्स पी है क्लासिकल अप्रोच से जो आपको पहले स्टेटमेंट में दिया है, और इसका डैगर फाइंड किया, तो ये एच इक्वल्स एच डैगर एच के इक्वल है, यहां से आपको कंफर्म हुआ कि ये ओमेगा पी एक्स बनेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए ट्वाइस एच ओमेगा एक्स पी प्लस पी एक्स, एच इज ट्वाइस एच एस एच ओमेगा। अब यहां से आप कंपेयर करें ऑप्शंस में एक्स डेल वाई डेल एक्स के लेफ्ट में है, तो ये पार्ट तो प्रेजेंट रखें, एक्स पी का कॉमुटेटर आपको नोट कराया हुआ है आई एच क्रॉस, उस कॉमुटेटर से पी एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए, एक्स पी माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई एच क्रॉस, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पी माइनस आई एच क्रॉस। तो जब इस पी एक्स को एलिमिनेट करेंगे, एक्स पी पहले से प्रेजेंट है और एक्स पी यहां से आएगा, तो ये ट्वाइस एक्स पी माइनस आई एच क्रॉस। अब पी की वैल्यू डिफरेंशियल फॉर्म में प्लेस करेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, माइनस आई एच क्रॉस यहां से कॉमन लेंगे और टू से डिवाइड करेंगे, तो ये टू इस टू से एडजस्ट हो गया, एक्स डेल बाई डेल एक्स ये प्लस वन है और टू से डिवाइड किया तो हाफ, तो ये आपको हैमिल्टोनियन फॉर्म बनेगा क्वांटम मैकेनिक्स में। ये मैंने अप्रोच अप्लाई करके डिस्कस कर दिया, बाकी ऑप्शन में कंजर्वेटिव सिस्टम की कंडीशन को चेक भी कर सकते थे, तो सिर्फ यही ऑप्शन यही एक्सप्रेशन कंजर्वेटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, बाकी फॉलो नहीं करेंगे, एच डैगर इक्वल्स टू एच वाली कंडीशन को अगर आप करेक्टली ऑपरेटर फॉर्म से चेक करने लगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे, आप लोग प्रॉब्लम बताने में बहुत लेट कर दे रहे हैं। सो 14 पे 20 नंबर 13 पेज नंबर 13 पे 14 का कोई बोल लेते, 14 तो शायद 22 पेज नंबर 13 पे 16 19 20 तो 21 भी रहा होगा फिर शायद, है नहीं? नो सर 21 हो गया, 21 हो गया। ओके 13 पे 16, ए पार्टिकल इन द नॉर्मलाइज्ड स्टेट कट ऑफ साई व्हिच इज द सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट E0 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E1 इक्वल टू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट वेक्टर। The average value of energy of the particle in this state cut off size is 20 electron volt. The state cut off size. Problem में आपको average energy दिया है two state के superposition के लिए. Cut off size can be written as C0 phi 0 cat vector और C1 phi 1. ये phi 0 phi 1
के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज इजी और इवन है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रॉब्लम में दिया है। इस 50 पे अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करते तो एनर्जी बनता 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E0 जो स्टेटमेंट में मेंशन है और ये स्टेट एस एच। अगर आप 51 पे आप ऑपरेट करेंगे H को तो एनर्जी E1 बनेगा और 51 एस एच। अब इस स्टेट को जो 50 है आप इसको लाइक दिस भी नोट कर सकते थे कि स्टेट एनर्जी E0 की स्टेट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया है। तो ओनली ये नोटेशन चेंज किए हैं कैट ऑफ 50 और कैट ऑफ 51 के। तो यहाँ पे चाहे जो नोटेशन आप यूज करें E1 वैल्यू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सुपर पोर्शन को हम लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं 50 ये रिप्रेजेंटेशन बताया है E0 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है एनर्जी की आइगन स्टेट है और इसमें आइगन वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेट 51 है जिसमें एनर्जी आइगन वैल्यू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ये एनर्जी की टू स्टेट्स के टर्म्स में सुपर पोर्शन कट ऑफ साई और ये स्टेट नॉर्मलाइज है तो C0 मॉड स्क्वायर प्लस C1 मॉड स्क्वायर ये वन बनेगा। स्टेटमेंट में मेंशन है कट ऑफ साई इज नॉर्मलाइज स्टेट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट दैट इज प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट। तो टू स्टेट है टू स्टेट की प्रोबेबिलिटी और आइगन वैल्यू को यहाँ पे सम करेंगे तो ये टर्म की वैल्यू आपको यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब ऑप्शन से आपको आइगन वैल्यूज तो स्टेटमेंट से पता है, ऑप्शन से प्रोबेबिलिटी वैल्यूज प्लेस कर लीजिए जिसमें ये वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैच कर जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है, एक रिलेशन तो आपको ये C0 मॉड स्क्वायर C1 मॉड स्क्वायर पता है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया इस पार्ट को। और इस कंडीशन से प्रोबेबिलिटी वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए C0 मॉड स्क्वायर, आइगन वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी C1 मॉड स्क्वायर, आइगन वैल्यू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया, एक इक्वेशन आपको ये पता चल गया। दीज टू इक्वेशन को सॉल्व करके आप C0 मॉड स्क्वायर और C1 मॉड स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो आप C0 मॉड स्क्वायर से आप C0 और C1 वैल्यूज ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे। बट एक इजी अप्रोच क्या है, आपको ये इजीली कंपेयर हो जाएगा ये टर्म प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स जिस प्रॉब्लम में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैच कर रहा होगा उसके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप कंपेयर करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/2 प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट के लिए और आइगन वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 और आइगन वैल्यू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको चेक करें तो 10 प्लस 30 40/2 ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया जो डी ऑप्शन में मैच करता है। तो डी ऑप्शन की स्टेट जो होगी वो करेक्ट स्टेट बनेगी। तो ये कैट ऑफ साई कैन बी रिटन एज 1/√2 E0 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1/√2 E1 इक्वल टू 30 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन से मैंने प्रॉब्लम हैंड कर दिया। बाकी ये C0 मॉड स्क्वायर और C1 मॉड स्क्वायर में टू रिलेशंस हैं तो C0 मॉड स्क्वायर और C1 मॉड स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं जो ऑप्शन में कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19 and 20। 13 पे 19 and 13 पे 20 Which of the following is an allowed wave function for a particle in a bound state? Statement में reference दिया है bound state. तो bound state के लिए finite वाली condition थी particle से large distance पे psi tends to zero जाना चाहिए. Finite होना चाहिए all space में और tends to zero जाना चाहिए. Psi must be finite and tends to zero as r tends to infinity. और x tends to plus minus infinity, y tends to plus minus infinity, z tends to plus minus infinity. साई मस्ट बी कंटिन्यूस ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशंस को यहाँ पे इंक्लूड कर। अगर आप डी ऑप्शन में जाएं तो डी ऑप्शन में साई आपको डिफाइन किया है नॉन जीरो कांस्टेंट इफ आर लेस देन आर एंड जीरो इफ आर ग्रेटर देन आर। तो ये वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। फाइनाइट तो है बट डिसकंटिन्यूस है तो ये अलाउड नहीं होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ?
बी ऑप्शन में जाएं तो ये साई इज इक्वल टू कैपिटल एन वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर। जैसे ही आप यहाँ पे आर टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये टर्म टेंड्स टू जीरो जाएगा और साई वैल्यू एन को अप्रोच करेगा जो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये अलाउड हो सकता है बट बाउंड स्टेट के लिए अलाउड नहीं है, स्कैटरिंग स्टेट के लिए अलाउड हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएं, साई इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर बाई आर क्यूब, जैसे ही आप वहां पे आर इक्वल टू जीरो करेंगे ये साई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो थ्री ऑप्शंस मैंने रॉन्ग कर दिए, इट मींस थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिलना चाहिए। ये भी चेक कर लीजिए, साई इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे ही आप एक्स को प्लस माइनस इन्फिनिटी, वाई को प्लस माइनस इन्फिनिटी और जेड को प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये टर्म वी एव एज एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी दैट टेंड्स टू जीरो, और ये टर्म का स्लोप हायर है, ये टर्म का स्लोप लोअर है। अब ये टर्म अगर एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा, टेंड्स टू जीरो जाएगा, बट अगर एक्स को माइनस इन्फिनिटी लें तो ये उतना रैपिडली इंक्रीज नहीं करेगा जितना रैपिडली ये डिक्रीज कर जाएगा और प्रोडक्ट फिर से टेंड्स टू जीरो जाएगा। तो ये फंक्शन फाइनाइट है और इस कंडीशन को फॉलो करता है। क्लियर हो गया सभी को? प्रॉब्लम नंबर 20 एंड 21 कॉमन डेटाबेस हैं। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, और फ्री पार्टिकल वर्ड यूज किया है तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के लिए ओनली काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आप यहाँ पे प्लेस करें, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बाई ऑपरेटिंग एच साई, कंपेयर करेंगे तो एनर्जी आपको पता चल जाएगा। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स इज इक्वल टू ई साई। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एस एच, जब इस फर्स्ट टर्म का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच रहेगा और आई के स्क्वायर मल्टीप्लाई मिलेगा। जब आप इस टर्म को डिफरेंशियल करेंगे डबल डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आई के का स्क्वायर मल्टीप्लाई मिलेगा और एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच रहेगा। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एन, ये आई के होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर टर्म बनेगा, यहाँ पे भी आई स्क्वायर टर्म बनेगा, ये टर्म कॉमन लेके माइनस के स्क्वायर ये प्लस हो गया। बाकी फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स फिर से साई बन गया। तो ये साई एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई ट्वाइस एम साई इज इक्वल टू ई साई। तो बोथ साइड से साई का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो एनर्जी पता चल गई एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। इसी का 21 डिस्कस हो गया है। आपको रियल पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रियल वेव फंक्शन के लिए जीरो बताया था, वो मैंने फिर से हिंट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 पे 19 तो एक्सप्लेन हो गया। कौन पूछ रहा है? 12 पे 11 हाँ जी 12 पे 11 नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। और 11 पे 4 11 पे 4 पता नहीं आप लोग
कैसे रिप्लाई करते हैं, कोई स्टूडेंट ने मैसेज किया है 17-18 फोन नंबर, तो 17-18 तो 13 पे ही था, बाकी तो शायद कहीं नहीं है। 17-18 अभी मैंने डिस्कस किए थे शायद। 11 पे सर हो गए हैं सर। 11 पे 3 and 4। 11 पे 3 and 4, 3 भी डिस्कस आल्सो। पहले 12 पे 11 डिस्कस करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x एंड x + dx एक इनफिनिटीसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनफिनिटीसिमल रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है a एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स डी एक्स, वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। a इज पॉजिटिव, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x1 टू x2, x2 इज ग्रेटर देन x1। स्मॉल रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी दिया है और लार्ज रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आप इसको स्मॉल रीजन वाली प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रल करेंगे रिक्वायर्ड रेंज के लिए। a कांस्टेंट है, x1 टू x2, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हिंट किया हुआ है, ये आप इंटीग्रल कर दीजिए। एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स बाई माइनस ए, लिमिटिंग वैल्यूज प्लेस करेंगे, ए कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस है, लोअर लिमिट पे वैल्यू प्लस और अपर लिमिट पे माइनस, ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स टू, फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे 3 and 4। बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव फाइनाइट रेंज स्मूथ पोटेंशियल बिहेव फॉर लार्ज आर एज। बाउंड स्टेट फिर से मेंशन है यहाँ पे, अभी बाउंड स्टेट के लिए एक पॉइंट, सम पॉइंट्स यहाँ पे हिंट किए हैं, रिपीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई आर नॉट, जैसे ही आप आर टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये साई टेंड्स टू जीरो जाएगा, बाउंड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई आर की अदर देन दीज वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, ये फाइनाइट वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, ये करेक्ट बन गया। बाकी ऑप्शंस को और चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन साई वैल्यू 1/r^n है और n वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ये r को आपने 0 किया तो r इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये फाइनाइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन साई कॉन्स्टेंट है और जब कांस्टेंट होगा तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू फिर से नॉन जीरो बनेगा, और जब नॉन जीरो होगा तो ये बाउंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। डी ऑप्शन एक्सपोनेंशियल i k r बाई r, ये आपको स्कैटरिंग स्टेटमेंट डिस्कस किया था आउटगोइंग स्फेरिकल वेव के लिए, r को जैसे ही जीरो लेंगे फिर से साई यहाँ पे नॉन जीरो बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इक्वल टू जीरो पे ये फाइनाइट नहीं, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 11 प्रॉब्लम नंबर 4, ए नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पोटेंशियल Vx इज गिवन बाय साई फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट cn phi n एक्सपोनेंशियल माइनस आई en t बाई h क्रॉस, वेयर phi nx आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी En। एनर्जी आइगन फंक्शन है phi n। स्टेटमेंट में नॉर्मलाइज स्टेट वर्ड यूज किया, ये नॉर्मलाइज है, तो जब नॉर्मलाइज लेंगे तो समेशन ओवर n cn mod square 1 बनेगा। इसी स्टेट में आप प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू चेक करने लगे तो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी cn mod square और एनर्जी en, ये करेक्ट बन जाएगा। आप कंपेयर करें, फर्स्ट ऑप्शन में ये कंडीशन दिया है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे है n के लिए वही आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे भी ये 0 टू इनफाइनाइट होगा,
तो एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई एक्स इज एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट सी एन मॉड स्क्वायर ई एन. तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है. अब आप थर्ड ऑप्शन के लिए एक बार चेक कर लें. साई एक्स टी इज एन आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टन ऑफ द पार्टिकल. अगर यहाँ से ऑल स्टेट्स की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी सेम होती तब ये आइगन फंक्शन बन जाता. ये आपको स्टेटमेंट नॉट भी कराया गया है कि सुपर पोजिशन वाला फॉर्म कब आइगन फंक्शन बनेगा किसी ऑपरेटर के लिए. अगर ऑल कंडीशन कॉमन आ जाए, कॉमन कब आएगा जब ऑल फाई के लिए एनर्जी की वैल्यू सेम आए, जो यहाँ पे सेम नहीं दिया है. तो ये साई एक्स टी एनर्जी का आइगन फंक्शन नहीं है. अब लास्ट ऑप्शन में मोमेंटम आइगन फंक्शन की बात कर रहे हैं. जैसे ही आप ये फॉर्म को चेक करें, ये आइगन डिफरेंशियल करके अगर फॉर्म मॉडिफाई हो गया तो जरूरी नहीं कि ये मोमेंटम का आइगन फंक्शन है. ये पॉइंट क्लियर हो गए. तो ओनली ए एंड बी करेक्ट है. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलेंगे. A parallel beam of electrons of a given momentum pass through a screen S1 containing a slit and produces a diffraction pattern on the screen S2 placed behind it. The width of the central maxima observed on the screen S2 can be increased by. ये मैंने स्क्रीन S2 ले लिया और यहाँ पे स्लिट S1 से आपको ये बीम पास करा रहा है. अब यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इसका विड्थ आपको चेक करना है डिफ्रेक्शन पैटर्न में. बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा लाइक दिस बनाएंगे. इस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ ये सपोज एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन. अब यहाँ पे ये विड्थ इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो हम पार्टिकल्स का बीम भेज रहे हैं उनसे पार्टिकल्स की पोजिशन में स्प्रेड आ जाए और स्प्रेड यहाँ पे पार्टिकल की पोजिशन वाई पोजिशन बॉट है. तो डेल्टा वाई नॉन जीरो आना है. डेल्टा वाई की वैल्यू इंक्रीज करानी है. तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट अगर आप कंसीडर करें, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू. तो ये डेल्टा वाई को आपको इंक्रीज कराना है. तो आप यहाँ से ये नियरली एच क्रॉस लेके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. तो डेल्टा वाई एच क्रॉस बाई डेल्टा पी वाई ये इंक्रीज करना है. तो ये पार्ट का मोमेंटम आपको डिक्रीज करना है. अब इस स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए. डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन S1 एंड S2, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट इन स्क्रीन S1, डिक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया. डेल्टा पी वाई को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा वाई इंक्रीज करेगा. थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन. बाकी हो गए हैं इस पे? यस सर. अभी जो टीआईएफआर और गेट वाले क्वेश्चंस हैं वो एक सीट पे आपको प्रोवाइड करा के हमको डिस्कस कर दिए जाएंगे. जो रिसेंट पेपर गेट पेपर हुआ है और टीआईएफआर हुआ है वो थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम के एक साथ डिस्कस कर देंगे. तो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं.
पेज नंबर 79 प्रॉब्लम नंबर 5 ये कंपेयर करेंगे पहले डिस्कस किया है कि नहीं 79 पे 5 नहीं हुआ है सर नो सर नहीं हुआ Which of the following graphs qualitatively describes the pressure P of a gas of non-interacting fermions? In thermal equilibrium at constant volume as a function of temperature. ये आपको आइडल फर्मी गैस जब मैंने डिस्कस किया था तो ग्राउंड स्टेट प्रेशर P इक्वल टू जीरो पे प्रेशर नॉन जीरो बताया है आप चेक कर लीजिए एट टी इक्वल टू जीरो ये प्रेशर नॉन जीरो वैल्यू बताया था 2/5 एन ई एफ एन बाई वी ई एफ फर्मी एनर्जी नॉन जीरो है पार्टिकल डेंसिटी नॉन जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो पे ये प्रेशर नॉन जीरो बनेगा आइडल फर्मी गैस के लिए फर्मियंस के लिए अब अगर आप सिंगल पार्टिकल लेवल्स में फर्मियंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और t इक्वल टू जीरो पे अगर ये पॉसिबिलिटी था कि अप टू फर्मी लेवल ये लेवल को मैंने फर्मी लेवल कंसीडर किया और ये लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल हैं तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इस फर्मी लेवल के हायर में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा ये क्लियर है ये पॉइंट यस सर तो आप ये बताइए जब सिस्टम की एनर्जी चेक करेंगे तो एनर्जी इस टी इक्वल टू जीरो के अलावा टी इक्वल टू नॉन जीरो पे जो एनर्जी आएगा वो ग्रेटर आएगा ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले किसी और पार्ट पे डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने किया हुआ है अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे ये पार्टिकल्स का नंबर करिश्मा शाह है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हाई एनर्जी स्टेट्स में होता जाएगा और एनर्जी स्टेट्स में जब होगा तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एनर्जी इंक्रीज करेगी और एनर्जी के टर्म्स में आपको प्रेशर वैल्यू बताया था 2/3 ई वाई वी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा ये पॉइंट्स आप ऑप्शन में सेलेक्ट करें तो आपको प्लॉट दिया हुआ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो आप कंपेयर करें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया ये पॉइंट क्लियर हुआ डी ऑप्शन में डिक्रीजिंग लाइन शो किया हुआ है अब आप बी और सी ऑप्शन के जो प्लॉट हैं यहाँ पे टी इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट ये पॉइंट वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा टी इक्वल टू जीरो पे प्रेशर सी ऑप्शन में भी जीरो है और बी ऑप्शन में भी जीरो है ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं टी इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो प्रेशर और इंक्रीजिंग टी के लिए प्रेशर इंक्रीज करेगा वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करता है पेज नंबर 83 पे प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस हुआ है कि नहीं और 84 पे 11 नो सर एक बार 84 पे 11 का स्टेटमेंट रीड करिए इफ P1, P2 एंड P3 रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ बोस आइंस्टीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड फर्मी ड्राग गैसेस एट लो टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली अभी ऑप्शन पे मत जाइए थोड़ा रिकॉल करिए मैंने जब आपको माइक्रोस्टेट्स के लिए आपको एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर का रेशियो बताया था तो दैट टाइम पे मैंने एनर्जी प्रेशर बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी ड्राग के लिए ये कंपेरिजन आपको नोट कराया हुआ ग्राउंड स्टेट के लिए भी और हायर पार्ट के लिए भी और ये पॉइंट अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम के ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये थोड़ा रिकॉल करेंगे
टू पार्टिकल टू स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके भी और टू पार्टिकल थ्री स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके भी मैंने एनर्जी को कंपेयर करके आपको बताया थ्री टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए। रिकॉल करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोस आइंस्टीन के लिए टी इक्वल टू जीरो पर प्रेशर और एनर्जी इक्वल बताई थी और फर्मियॉन्स के लिए बोस आइंस्टीन और क्लासिकल के इसके रेस्पेक्ट कंपेरेटिवली ग्रेटर एनर्जी आएगा टी इक्वल टू जीरो पे, ये आपको पॉइंट नोट कराया है। किसी नॉन जीरो टेम्परेचर पे भी बोस आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए एनर्जी और प्रेशर इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर बनेगा तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ग्रेटर बनेगा, बोस आइंस्टीन के लिए लीस्ट बनेगा और फर्मी ड्रैग का दीज टू से भी ग्रेटर बनेगा। ये पॉइंट मैंने नोट कराया हुआ है, कहीं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके ये कंडीशन नोट कराई गई। रिकॉल हुए पॉइंट, माइक्रो स्टेट्स वाले क्वेश्चंस जब डिस्कस किए हैं डिस्क्रीट स्टेट्स के लिए तब आपको कहीं नोट कराया होगा आपके नोटबुक में, आप कंपेयर कर लेंगे। अगर वो पॉइंट रिकॉल हो गए तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करके ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। इफ P1, P2 एंड P3 रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ आइडल बोस गैस, बोस आइंस्टीन के लिए P1 है और क्लासिकल के लिए MB के लिए P2 है और फर्मी ड्रैग के लिए P3 है और ये प्रेशर आप कंपेयर करें तो P2 वैल्यू या तो P1 के इक्वल बनेगा या ग्रेटर बनेगा, ये कंडीशन, और P3 वैल्यू P2 से भी ग्रेटर बनेगा और P1 से भी ग्रेटर बनेगा। ये पॉइंट्स फर्मी ड्रैग के लिए लार्जेस्ट प्रेशर और बोस आइंस्टीन और MB के लिए या तो इक्वल होगा या MB के लिए ग्रेटर बनेगा। अब ये पॉइंट्स आप कंपेयर करें तो इक्वल टू वाला साइन लास्ट ऑप्शन में इंक्लूड किया है जो P3 के भी इक्वल है तो रॉन्ग हो गया। बाकी में आप कंपेयर करें तो बाकी में किसी में इक्वलिटी साइन नहीं है तो P2 P1 से ग्रेटर बनेगा और P3 P2 से भी ग्रेटर है और P1 से भी ग्रेटर है, ये पॉइंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो P2 ग्रेटर देन P1 एंड P3 ग्रेटर देन P1। बाकी में P1 ग्रेटर देन P2 दिया है तो B और C रॉन्ग होंगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाए। साथ में यहाँ पे ये भी कंडीशन पता होना चाहिए कि P3 P2 से भी ग्रेटर आएगा। डिस्कस करते हैं पेज नंबर 83 पे प्रॉब्लम नंबर 2। N मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस आर इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V0। If a molecule has the same probability of being at any point in the container, the probability of capital M of them being in a smaller volume V in the container. Problem probability का है, same problem आप mathematical physics में similar problem solve किए होंगे। ये total volume V not दिया हुआ है आपको, इसको two part में डिवाइड किया, एक इसमें स्मॉलर वॉल्यूम है दैट इज V और जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो इससे लार्जर वॉल्यूम है। अब दीज कंटेनर्स में दीज पार्ट्स में आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप कंपेयर करें, मैंने प्रोबेबिलिटी को माइक्रोस्टेट के रेशियो से आपको प्रोबेबिलिटी टर्म डिफाइन कराया है। ओमेगा किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्टेट, ये एक्सप्रेशन रिकॉल हो गया होगा आप लोगों को। और किसी पर्टिकुलर रीजन की जो माइक्रोस्टेट है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको नोट कराए हुए हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे कंपेयर करें, स्मॉल रीजन की प्रोबेबिलिटी पूछा है एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो इस फर्स्ट ये स्मॉल रीजन है ये लार्जर रीजन है, तो इसमें टू प्रोबेबिलिटीज मैंने नोट कर दी, एक P1 और एक P2। तो P1 वैल्यू आप कंपेयर करें इस रीजन की माइक्रोस्टेट जो V पे डिपेंड करता है V y V0, और P2 वैल्यू इस रीजन की माइक्रोस्टेट जो V0 माइनस V पे डिपेंड करता है और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये दीज टू प्रोबेबिलिटीज क्लियर हो गए। तो टू स्टेट सिस्टम के लिए मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया हुआ है कि आउट ऑफ एन पार्टिकल्स अगर आप आर पार्टिकल सेलेक्ट कर दें तो आप ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए एन सी आर, फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी और
सेकेंड स्टेट की वोल्टी पावर एन माइनस आर। ये एक्सप्रेशन रिकॉल हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। यहाँ पे अब स्टेटमेंट को रीड करें, जो पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए उनको रेफरेंस लेके। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी जीरो। इस टोटल वॉल्यूम में आप एन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उन आउट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स फर्स्ट रीजन में, स्मॉलर वॉल्यूम वाला रीजन फर्स्ट रीजन है, उसमें एम मॉलिक्यूल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप टू स्टेट सिस्टम में से कोई एक स्टेट वाले पार्टिकल्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, तो यहाँ से आर वैल्यू एम है। ये पॉइंट रिकॉल हुआ सभी को? अब ये पी वन पी टू की वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल, एन माइनस एम फैक्टोरियल, पी वन प्रोबेबिलिटी वी बाई वी जीरो पावर एम, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वी जीरो माइनस वी बाई वी जीरो पावर एन माइनस एम। अब ये डिनोमिनेटर टर्म को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वी जीरो पावर एन बन जाएगा और न्यूमेरेटर में वी पावर एम, वी जीरो माइनस वी पावर एन माइनस एम। तो आप कंपेयर करिए v पावर m और v0 जीरो माइनस वी पावर एन माइनस एम, लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? v पावर m ये थर्ड में है, लास्ट में तो v0 जीरो पावर m, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। v पावर m और v0 जीरो माइनस वी पावर एन माइनस एम, ये आप कंपेयर करें और डिनोमेटर में दोनों का प्रोडक्ट किया तो v0 जीरो पावर n बनेगा और ये n सी एम फैक्टर है, तो ये थर्ड ऑप्शन में मैच होता है। प्रॉब्लम क्लियर हुआ सभी को? टू स्टेट सिस्टम पे स्पिन हाफ पार्टिकल, वन डायमेंशनल रैंडम वॉक, कॉइन, ये प्रॉब्लम्स आपको कराए हैं। ये एक्सप्रेशन आपको वहां पे वैलिड बताया था टू स्टेट सिस्टम के लिए। इक्वल प्रोबेबिलिटी में ये फैक्टर वन बाई टू पावर समथिंग बताया था, बट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के लिए आप लाइक दिस P1, P2 पावर के टर्म्स में आपको एक्सप्रेशन बताया। यहाँ पे ये P1, P2 की वैल्यूज जो डायरेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है उनको फाइंड करके प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। 83 पे 6 डिस्कस हुआ है कि नहीं? नो सर। 83 पे 6। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए थ्री डायमेंशनल फर्मी गैस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 एट जीरो टेम्परेचर, its internal energy by a factor of, internal energy changes by a factor of, तो आप कंपेयर करें। इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किया था 3/5 एन ई एफ और 3/5 इस फर्मी एनर्जी में आपको डिपेंडेंसी एन वाई वी पे डिपेंडेंसी बताया 2/3। तो ये इंटरनल एनर्जी वेरीज एज वी 1/V पावर 2/3, तो ई एफ बाई ई आई इज इक्वल टू वी आई बाई वी एफ पावर 2/3। वॉल्यूम को डिक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो ये फैक्टर 8, तो 8 को आप 2/3 नॉट करेंगे तो ये 4 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। एटी फोर पे 7 का स्टेटमेंट और रीड कर लीजिए। और 84 पे 9 सिमिलर अप्रोच है जो यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे वॉल्यूम फैक्टर में चेंज डिफरेंट है,
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बन जाए 84 पे 9 के लिए. 7 के लिए एन आइडल बोस गैस अंडरगोज ए बोस आइसिंग कंडेंसेशन एट टेंपरेचर T0 एट एनी फाइनाइट टेंपरेचर बिलो T0. अगर लास्ट ऑप्शन चेक करें प्रेशर इज इक्वल टू 0. प्रेशर का एक्सप्रेशन आपको बताया है टेंपरेचर डिपेंडेंट, टी की वैल्यू नॉन जीरो ले रहे हैं बट टी जीरो से लेस ले रहे हैं, तो टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल था या 5/2 के प्रोपोर्शनल था, तो नॉन जीरो बनेगा. एनर्जी भी नॉन जीरो बनेगी. ओनली द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड टी लेस देन टी नॉट के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर से लेस में 2 फेजेस बताई थी, नॉर्मल फेज और कंडेंस फेज. कंडेंस फेज में ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स ऑक्यूपाई होंगे, नॉर्मल फेज में एक्साइटेड लेवल्स में भी, बट मोर पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में आएगा. बट आपको ये हिंट किया था कि मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा केमिकल पोटेंशियल, और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, और कैलकुलेशन में आपको यूज भी किया हुआ है. टी लेस देन टी बी के लिए म्यू वैल्यू मैक्सिमम को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 लिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन. पेज नंबर 77, प्रॉब्लम नंबर 14. पेज नंबर 77, प्रॉब्लम नंबर 14. व्हेन ए कलेक्शन ऑफ टू लेवल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T0, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन द लोअर एंड अपर लेवल इज 2:1. सपोज लोअर लेवल N1 और अपर लेवल N2, ये रेशियो आपको 2:1 दिया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T0 पे. When the temperature is changed to T, the ratio is 8:1. Then, ये रेशियो को अगर आप कंपेयर करें बोल्ट्समैन फैक्टर से, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा T1 और बीटा को 1/KBT डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस E2/KBT. एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2/KBT और टी वैल्यू यहाँ पे T0 है. अगर ये रेशो को 2:1 ले रहे हैं, तो 2/1 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2/KBT. And this ratio changes to 8:1 if temperature changes to T. अगर हम एक इस 8:1 को इस फॉर्म से कंपेयर करें, तो इसको आप 2:1 का क्यूब लिख सकते हैं. टेम्परेचर को कंपेयर करना है, एनर्जी सेम है. अब ये 2:1 की वैल्यू इस फॉर्म से प्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2/KBT0^3 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2/KBT. इसको एक्सपोनेंट में इंक्लूड करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2 ये 3 टाइम्स बाई KBT0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस E1 - E2/KBT. तो दीज के एक्सपोनेंट को अगर आप कंपेयर करें, तो 3/T0 इज इक्वल टू 1/T है. यहाँ से आपको T0 कंफर्म हो गया, T0 इज थ्राइस T. थर्ड ऑप्शन रखते हैं. पेज नंबर 78, प्रॉब्लम नंबर 15. स्टेटमेंट रीड करेंगे.
पेज नंबर 78 प्रॉब्लम नंबर 15 सर बैक स्लाइड शो करना थैंक यू सर कलेक्शन ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरेक्टिंग मैग्नेटिक मूमेंट्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड एच अलोंग द जेड डायरेक्शन ईच मैग्नेटिक मूमेंट हैज ए डबली डिजनरेट लेवल ऑफ एनर्जी जीरो एंड नॉन डिजनरेट लेवल्स ऑफ एनर्जी माइनस म्यू एच एंड प्लस म्यू एच रेस्पेक्टिवली The collection in thermal equilibrium at temperature T, the total energy of the collection is. आपको सिस्टम का एवरेज एनर्जी यहाँ पे फाइंड करना है अगर आप ऑप्शन फॉर्मेट पे जाएं तो ऑल ऑप्शन में n मल्टीप्लाई किया हो और n मल्टीप्लीकेशन में कब आएगा जब आप डिस्टिंग्विशेबल केस कंसिडर कर रहे हैं नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है बट ऑप्शन से आपको ये हिंट हो गया कि डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आप कंसीडर कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी फाइंड करने के लिए अगर आप वन पार्टिकल की एनर्जी फाइंड कर लें और एन से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा ये पॉइंट रिकॉल हुआ सभी को ये मोर टाइम आपको सजेस्ट किया हुआ है अब वन आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए वन पार्टिकल का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसके लिए एनर्जी का हिंट है कि जीरो एनर्जी की डबली डिजनरेट लेवल है और एक लेवल माइनस यू एच म्यू एच का है और एक प्लस म्यू एच का है तो फोर एनर्जीज हैं पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग तो वन पार्टिकल की जब आप एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे तो एनर्जी जीरो वाला कंडीशन न्यूमरेटर से एलिमिनेट हो गया नेक्स्ट एनर्जी माइनस म्यू एच जो नॉन डिजनरेट है नेक्स्ट एनर्जी प्लस म्यू एच ये भी नॉन डिजनरेट है डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल जीरो जो जीरो एनर्जी से मिलेगा उसकी डब्ल्यू डिजनरेट केस है एक्सपोनेंशियल जीरो वन हो गया एक्सपोनेंशियल म्यू एच बाई के बी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एच बाई के बी टी अब यहां से माइनस म्यू एच अगर आप कंपेयर कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर पार्ट एक्सपोनेंशियल म्यू एच बाई के बी टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एच वाई के बी टी डिवाइडेड बाई टू प्लस ये टर्म को आप ट्वाइस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच वाई के बी टी नॉट कर सकते हैं माइनस एन म्यू एच इस पार्ट को आप टू साइन हाइपरबोलिक नॉट कर सकते हैं और टू डिनोमिनेटर से कॉमन लेके एडजस्ट साइन हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के बी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक म्यू एच बाई के बी टी आप ये ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट पेज नंबर 74 पे 70 स्टेटमेंट रीड करेंगे सेवेंटी फोर पे सेवेंटी के लिए
आपको यहाँ पे डिजेनरेसी का हिंट है और पॉपुलेशन में जो रेशियो टर्म है उसका आपको हिंट किया हुआ है। एन आइडियलाइज्ड एटम हैज ए नॉन डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट एट जीरो एनर्जी एंड ए जी फोर डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी ई। टू लेबल्स हैं बोथ की डिजेनरेसी का आपको हिंट किया हुआ है। इन ए नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ कैपिटल एन सच एटम्स द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट मे एक्सीड दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट अबव ए टेम्परेचर टी ग्रेटर देन ई बाई ट्वाइस के बी एल एन टू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी फॉर विच दिस इज पॉसिबल इज, अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, अगर एन वन ले रहे हैं लोअर लेवल में पॉपुलेशन और एन टू ले रहे हैं एक्साइटेड लेवल में पॉपुलेशन, तो दीज पॉपुलेशन को आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी को बोल्ट्जमैन फैक्टर से रिलेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है आपको यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल जीरो की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल जीरो, आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको रिजल्ट डिस्कस किया हुआ है पी आई एनर्जी ई आई की प्रोबेबिलिटी विद डिजेनरेसी जी आई। रिकॉल करेंगे पी आई ई आई इज इक्वल टू जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। अगर टू लेबल हैं तो किसी एक लेबल की डिजेनरेसी के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी ये ई वन की कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी जी वन, तो टू लेवल के लिए ये टर्म बनेगा जी वन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई वन प्लस जी टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई टू, और इसी से पी टू आप फाइंड करेंगे और ये रिलेटिव पॉपुलेशन भी आपको दैट टाइम ये सजेस्ट किया हुआ है एन टू इज इक्वल एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू जी टू बाई जी वन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई टू माइनस ई वन, और बीटा को वन बाई के टी रिप्लेस करेंगे। ये एक्सप्रेशन आपको रिकॉल हो गए होंगे डिजेनरेसी के टर्म्स में, ये रिजल्ट भी आपको रिकॉल होगा। अब यहाँ पे एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करें। एनर्जी इवन वैल्यू जीरो है और डिजेनरेसी आपको यहाँ पे वन दिया हुआ है। नेक्स्ट एनर्जी ई है और ये डिजेनरेसी आपको जी दिया है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे जी टू जी एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी, ये आपको रेशो कन्फर्म हो गया। अब एक इस टेम्परेचर को अगर आप वेरी करते चले जाएं तो इस टेम्परेचर पे कंडीशन दिया है अगर टी वैल्यू ई बाई ट्वाइस के बी एल एन टू से ग्रेटर है तो ये एन टू वैल्यू एन वन से ग्रेटर देन, अगर टी वैल्यू इससे लोअर होता तो ये बाउंड्री टेम्परेचर बन गया, एन वन वैल्यू एन टू से ग्रेटर बनता। तो टी की मिनिमम वैल्यू के लिए जब आप ये इसके इक्वल कर देंगे ई बाई ट्वाइस के बी तब दोनों वैल्यूज मैच कर जाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन इक्वल करके हम ये डिजेनरेसी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू n1 करेंगे तो ये रेशो 1 हो गया। डिजेनरेसी g हमें फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल माइनस e बाई के बी टी के बी एस एच, और t की वैल्यू मैंने ये प्लेस किया यहाँ पे ट्वाइस e बाई ट्वाइस के बी एल एन टू, तो ये e कैंसिल आउट हो गया के बी कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू चेंज टू जी एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस एल एन टू। अब यहां से लॉग प्रॉपर्टी से इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, जी कैन बी रिटन एज ये सॉरी वन इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल टू एल एन टू फैक्टर आप नोट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं प्लेस नोट कर रहा हूँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 81 पे। तो जी आपको यहाँ पे अब कंफर्म हो गया
एक्सपोनेंशियल टू एल एन टू। लॉग प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें तो दिस वैल्यू ई एल एन टू पावर टू, तो ये फोर में कन्वर्ट हो गया, तो डीजेनरेसी वैल्यू फोर बनेगा मिनिमम वैल्यू पार्ट के लिए, तो सेकंड ऑप्शन कर बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 12, स्टेटमेंट रीड करिए। बैक साइड थोड़ा दिखाएंगे, हो गया सर। स्टेटमेंट रीड करेंगे। टू आइडेंटिकल बोजॉन्स में ऑक्यूपाई एनी ऑफ टू एनर्जी लेवल जीरो एप्साइलन, वेयर एप्साइलन इज पॉजिटिव, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज डबली डिजनरेट एंड द एक्साइटेड स्टेट इज नॉन डिजनरेट। अज्यूम दैट द टू पार्टिकल सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल टी, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी, व्हाट विल बी द लीडिंग टर्म ऑफ ई एवरेज बाई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्साइलन बाई केवीटी एट लो टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे टू बोजॉन कंसीडर करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल टू लेना है, और ईच बोजॉन के लिए टू एनर्जी लेवल्स, एक जीरो और एक एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉन डिजनरेट है, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज डबली डिजनरेट एंड एक्साइटेड स्टेट इज नॉन डिजनरेट, तो जीरो एनर्जी डबली डिजनरेट, इसको मैंने टू पार्ट में नॉन कर दिया। अब हमें सिस्टम के लिए टू पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करके एनर्जी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी चाहिए, एवरेज एनर्जी सिस्टम के लिए फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे टू बोजॉन्स जो सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, आइडेंटिकल बोजॉन्स इंडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करना है, तो बोथ बोजॉन इस पार्ट जीरो लेवल के इस स्टेट में हो सकते हैं, तो अनदर स्टेट अनऑक्यूपाइड, एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड, एनर्जी जीरो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ बोजॉन इस साइड हो सकते हैं, ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, एनर्जी जीरो। बोथ बोजॉन वन यहाँ पे हो सकता है, वन यहाँ पे हो सकता है, ये अनऑक्यूपाइड, तो थ्री पॉसिबिलिटी में सिस्टम का एनर्जी जीरो है और डीजेनरेसी थ्री बन गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, कोई एक बोजॉन जीरो में फिल कर रहे हैं और एक बोजॉन को एप्सिलॉन में फिल कर रहे हैं, तो जीरो में फिल करने की पॉसिबिलिटी लेफ्ट साइड वाली स्टेट में हो सकता है, राइट साइड वाली अनऑक्यूपाइड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे बोजॉन हो सकता है, वन बोजॉन हियर, यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन बनेगा, ऐसी टू पॉसिबिलिटी। बोथ बोजॉन एप्सिलॉन में हो सकते हैं, ऐसी सिंगल पॉसिबिलिटी, सिस्टम का एनर्जी टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे सिस्टम की थ्री पॉसिबल एनर्जीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसीज आपको लास्ट कॉलम में नोट हो गई। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जब जीरो एनर्जी लेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट से कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट डीजेनरेसी टू है, एनर्जी एप्सिलॉन है, एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केबीटी। नेक्स्ट डीजेनरेसी वन है, एनर्जी टू एप्सिलॉन है, एक्सपोनेंशियल माइनस टू एप्सिलॉन बाय केबीटी, डिवाइडेड बाय डीजेनरेसी थ्री एक्सपोनेंशियल जीरो वन प्लस डीजेनरेसी टू एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टू एप्सिलॉन बाय केबीटी। ये सिस्टम की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया। इस पॉइंट तक सभी स्टेप क्लियर हो गए।
रिपीटेड स्टेप्स हैं। डिस्क्रीट एनर्जी में आपको ये टेबल फॉर्म करना, मोर प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया है। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ई एवरेज डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी में आपको अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है। लीडिंग ऑर्डर टर्म्स आपको फाइंड करना है लो टेम्परेचर रेंज के लिए। न्यूमरेटर से एक्सपोनेंशियल फैक्टर कॉमन लिया, टू एप्सिलॉन कॉमन लिया और एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो ये फैक्टर वन और यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी। डिनोमिनेटर टर्म थ्री प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टू एप्सिलॉन बाई केबीटी। अब लो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट में मेंशन है लीडिंग ऑर्डर टर्म एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ये सीरीज को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ से एप्सिलॉन बाई केबीटी की वैल्यू के लिए आप एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के लिए एप्सिलॉन बाई केबीटी ग्रेटर देन वन ले सकते हैं या आप सीरीज एक्सपेंशन से चेक कर लें। तो ई एवरेज बाई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाई केबीटी, न्यूमरेटर पार्ट में अगर ये एक्सपोनेंट हायर है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जीरो जाएगा तो ये टू एप्सिलॉन बनेगा, बाकी फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जब ये फैक्टर एलिमिनेट करेंगे तो ये डिवाइड में थ्री बनेगा, ये आपको आंसर की में वैल्यू दिया हुआ है, कैसे आया वो आपको वहाँ पर डिस्कस होगा। पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम 81 पे 15 स्टेटमेंट रीड करेंगे। A statistical system kept at temperature T has n discrete energy labels. ये पहले डिस्कस तो नहीं हुआ 15? No sir. डिस्कस करते हैं। Has n discrete energy labels with equal level spacing epsilon. तो एनर्जी को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो इसको n epsilon लिख सकते हैं। n वैल्यू 0, 1, 2, 3 लाइक दिस नोट कर सकते हैं। n लेवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट लेवल को आप n माइनस दे सकते हैं। n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विद इक्वल स्पेसिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टू सक्सेसिव लेवल के लिए स्पेसिंग एप्सिलॉन बनेगा। तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया कि इसी पर्टिकुलर लेवल को आप n एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द एनर्जी जीरो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए एन को मैंने यहाँ पे जीरो कर लिया, जिससे लोअर लेवल एनर्जी लोएस्ट एनर्जी जीरो बनेगा और सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस एप्सिलॉन बनेगा। इफ नाउ ए सिंगल पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द सिस्टम व्हाट विल बी द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ये एन वैल्यू अब आपको कन्फर्म हो गया अप टू इन्फाइनाइट चला जाएगा। और एवरेज एनर्जी वन पार्टिकल के लिए फाइंड करेंगे तो समेशन ओवर एप्सिलॉन एन प्रोबेबिलिटी, समेशन ओवर एन गोज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, ये एनर्जी एक्सप्रेशन प्लेस किया एन एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एन गोज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एन एप्सिलॉन। अब ये सीरीज को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एप्सिलॉन कॉमन आ गया, न्यूमरेटर में फर्स्ट एन को जीरो किया तो ये जीरो बन गया, नेक्स्ट
एन को वन किया तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, एक्सपोनेंशियल माइनस टू बीटा एप्सिलॉन, ये फैक्टर टू बन गया, थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री बीटा एप्सिलॉन इनफाइनाइट टर्म्स डिनोमेटर के लिए, वन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टू बीटा एप्सिलॉन, ये जीपी विद इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सटेंशन कर लें तो आपको ये रेशियो कंफर्म हो जाएगा। सिमिलर सीरीज पहले भी कहीं यूज हुआ है, आप उसको रेफरेंस लेके जो स्टेप वहां पे बताए उनको कंपेयर कर सकते हैं, ये एनर्जी बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया रिजल्ट? स्टेटमेंट में सीरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट नोट किया, द आंसर शुड नॉट बी लेफ्ट एज ए समेशन, इट मींस इस स्टेप पे आप आंसर नहीं बताएं, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 81 पे 13 स्टेटमेंट रीड करें और अप्लाई करें, फिर मैं कोई और क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। पे 13 द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इन द यूनिवर्स हैज ए ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू ए टेम्परेचर 2.735 केल्विन इन ए सर्टेन कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इट वाज एज्यूम दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट्स प्योरली ऑफ रेडिएशन एंड इज अंडरगोइंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिकॉल करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होगा और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आपको ये कंडीशन पीवी वी टी क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपको कंपेयर किया हुआ है। It was assumed that the universe consists purely of a radiation and is undergoing adiabatic expansion. In this model, it was predicted that the volume of the universe will be tripled in the next 10 to power 10 years. The corresponding black body radiation temperature would be. यहाँ से आप compare करेंगे, तो T V power 1 by 3 is equal to constant भी आप apply कर सकते हैं। ये मैंने एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन को रेफरेंस लेके हिंट किया और थोड़ा रिकॉल करेंगे एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बताया था और यहाँ पे जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं तो गामा वैल्यू 4/3 आता है तो यहाँ से पीवी पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट पीवी इक्वल टू आरटी यूज करेंगे तब भी आपको ये सेम रिलेशन मिलता है। दोनों पॉइंट रिकॉल क्लियर हो गए। फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू वी आई बाई वी एफ पावर 1/3। अब यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है वी आई बाई वी एफ पावर 1/3 इंटू टी आई, जो डेटा दिया है उसको रिप्लेस कर लीजिए।
इन ए सर्टेन कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इट वाज अज्यूम्ड दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट प्योरली ऑफ रेडिएशन एंड अंडरगो एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन दिस मॉडल इट वाज प्रेडिक्टेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स विल बी ट्रिपल्ड तो फाइनल वॉल्यूम 3 times ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है 2.735 केल्विन ये टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए ये क्यू रूट फाइंड कर लें 1/3 का और मल्टीप्लाई कर दें 2.735 में 1.896 केल्विन बनेगा एक बार चेक कर लेंगे मैच करता है वैल्यू यस नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 71 प्रॉब्लम नंबर 49 स्टेटमेंट रीड करिए The rotational energy levels of a molecules are EL is equal to H cross square by twice I naught L into L plus 1. यही फॉर्म आपको पहले rotational energy level rigid rotator के लिए आपको ये नोट कराया हुआ है With rotational quantum number 0, 1, 2, 3 up to infinite. And I zero is moments of inertia. The contribution of the rotational motion to the Helmholtz energy per molecule at low temperature in a dilute gas of these molecules is approximate. Helmholtz energy find करना है और Helmholtz energy find करने के लिए आपको partition function की requirement है. तो यहाँ पे low temperature range के लिए L जो angular momentum है वो स्मॉल वैल्यूज को कंट्रीब्यूट करेगा एट लो टेम्परेचर एल की ओनली स्मॉल वैल्यूज यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं 0 और 1 यहां पे अगर पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे या पहले पार्टीशन फंक्शन में वैल्यू प्लेस करके लास्ट में ये वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन समेशन ओवर एल टू एल प्लस वन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एल और बीटा को 1/kT प्लेस किया तो एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 बाय ट्वाइस आई जीरो के बी टी एट लो टेम्परेचर इस सीरीज से आप एल की टू वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी बाकी को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो ये सीरीज को आप एक्सपेंड करें तो L को जीरो किया ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल 0, 1 हो गया ये नियरली वैल्यूज बनेंगी या जो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म पहले आपको हिंट किया था यहाँ पे आपको डिस्क्रीट पार्ट इंक्लूड करना है मैंने कंटिन्यूस पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करा के आपको पहले बताया था तो जैसे ही आप L को 1 लेंगे तो ये फैक्टर 3 बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के बी टी टू फैक्टर एलिमिनेट हो गया एंड हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी माइनस के बी टी एल एन ऑफ पार्टीशन फंक्शन माइनस के बी टी एल एन ऑफ 1+3 एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई के बी टी अब इस सीरीज का आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये एल एन ऑफ 1+x फॉर्म तो यहां पे इस सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे तो एल एन ऑफ 1+x सीरीज के लिए x फर्स्ट टर्म x आता है तो नियरली ये पार्ट को माइनस के बी टी और इस सीरीज का एक्सपेंशन किया तो ये 3 times
एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई आई नॉट के बी टी बनेगा। तो नियरली डी ऑप्शन से मैच कर दो। डी ऑप्शन एज एन अप्रोक्सीमेशन, या पहले कंप्लीटली ये सीरीज ऑल वैल्यूज को इंक्लूड करते सीरीज को फाइंड कर लें, लास्ट में टेम्परेचर पे लिमिट लगा अप्लाई कर सकते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके फोर असाइनमेंट्स हैं, टू थर्मोडायनेमिक्स के लिए और टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। आपको ऑल क्वेश्चंस का अप्रोच डिस्कस हो गया है, आप एक बार इनको खुद से ट्राई कर लें। तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बचे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए मोर स्टेप्स फॉलो करने पड़े तो टाइम लग जाए, बट आप पहले इनको थोड़ा ट्राई कर लें, जो आपका सिलेबस है वो आपको रिवाइज हो जाए। कुछ पॉइंट्स जो आप लोग भूल गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उनको आप रिकॉल कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस और गेट पेपर और TIFR वाले क्वेश्चंस, वो फिर कंटिन्यूसली वन और टू लेक्चर्स में वो डिस्कस हो जाएंगे। जो भी टाइम लगेगा उनके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो। मैं स्लाइड शो कर दे रहा हूँ, ये लास्ट स्लाइड 38। सर स्लोली चलिए थोड़ा। स्लाइड नंबर 37 छूट गई। मैं लास्ट तक शो कर दे रहा हूं। सर ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर लो टेम्परेचर पे एल इक्वल्स टू जीरो और वन स्टेटिक के लिए, ये दरअसल ऑप्शन से थोड़ा हिंट हो रहा था कि कितने टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड करना है। बाकी तो आपको मैंने हिंट किया कि ये सीरीज को अगर आप एल की ऑल वैल्यूज के लिए सिंप्लीफाई कर लें सीरीज को, तो यहाँ से जो भी रिलेशन बनेगा उसमें लास्ट में आप ये लो टेम्परेचर का अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। इसके थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ ना? नो सर। तो सिंगल टेस्ट लें या थर्मोडायनेमिक्स का अलग और स्टैटिस्टिकल का अलग?
अलग 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 सर अलग अलग दे दो अलग अलग तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे ठीक है विद इन 8 to 10 days ये मान के चलेंगे आइडिया लेके चलेंगे टेस्ट हो सकता है ठीक है बाकी तो ऑफिस वाले ही कंफर्म डेट बताएंगे तो ये आइडिया लेके चलेंगे इतने टाइम के भीतर फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा ओके सर सर क्वांटम वाले पार्ट में पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो हैमिल्टनियन लिखा था ओमेगा एक्स पी उसमें हम डायरेक्ट पी को माइनस आई एच प्लस डेल बाय डेल एक्स सब्सट्रैक्ट नहीं रिप्लेस कर सकते क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर एक्स और पी का इम्पोर्टेंट नहीं है बट क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों का ऑर्डर आपको इंक्लूड करना है तो उसके इक्विवेलेंट बिहेवियर क्वांटम में ही दिया होता तो आप उसको माइनस आई एच प्लस डेल बाई डेल एक्स रिप्लेस कर लेते बट वो रिजल्ट दिया है क्लासिकल में तो इसलिए आपको जो कंडीशन है कंजर्वेटिव सिस्टम की कंडीशन वो फुलफिल होना चाहिए इसलिए वहाँ पे जैसे ही आप डैगर अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज होने से रिजल्ट सेम नहीं हुआ जो क्लासिकल में सेम होता है ठीक है क्लासिकल में जो आपको हैमिल्टोनियन दिया है वो ऑपरेटर पार्ट नहीं है वहाँ पे वेरिएबल के नोटेशंस हैं एक्स और पी वेरिएबल्स हैं सिंपल वेरिएबल्स बट क्वांटम मैकेनिक्स में वो वेरिएबल्स ऑपरेटर फॉर्म होते हैं इसलिए उसके इक्विवेलेंट फॉर्म आपको ऑपरेटर में कन्वर्ट करना क्लियर हुआ हेलो सर 36 स्लाइड थैंक यू सर आप लोग जो सिलेबस लगभग सभी कंप्लीट हो रहा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स को छोड़ के या कोई और पार्ट भी बचा है एटॉमिक मॉलिक्यूलर बचा है क्लासिकल पढ़ा था सॉलिड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स तो कोई बहुत पहले पता चला के साथ कंप्लीट हो गया था नहीं हुआ सर नहीं सर क्लासिकल का कितना बचा है क्लासिकल का 40% बचा है तो 15 तक तो कंप्लीट नहीं होगा सर 15 जून तक हो जाएगा नहीं 15 या 20 तक नो सर नहीं होगा नहीं सर वो मैथमेटिकल सर बोल रहे थे कि जुलाई तक जाएगा जुलाई तक जाएगा हाँ अच्छा चलो कोई नहीं जो टॉपिक हो गए हैं दरअसल जैसे ही टाइम मिले उनको रिवाइज करते रहें कि आप कोई बुक भूल जाएंगे तो फिर उस ज्यादा गैप होने के बाद रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है फिर आप डिमोरलाइज हो जाएंगे इसलिए एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे ही आपको टाइम मिले आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करें मतलब हर टॉपिक के टच में रहने की कोशिश करें ठीक है थैंक यू सर